Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have completed the reflex actions. Immediate responses पढ़े थे अपन ने, reflex action जिनको अपन बोलते हैं. Our today's topic is reflex arc. Reflex arc, reflex action के बाद है reflex arc. Reflex arc क्या होता है? ठीक है? तो जो pathway होता है, जो impulses होती हैं, electrical impulses हैं या जो इम्पल्सेस होती हैं उनका पाथवे, ठीक है, वो किस पाथ से जो इफेक्टर ऑर्गन है उससे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं और जाती हैं इफेक्टर तक, ठीक है, रिसेप्ट करके वापस रेस्पॉन्स जब आता है तो ये एक पाथवे बन जाता है ना. ये पाथवे जो होता है इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस है ना, उनका पाथवे, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसमें जो इम्पल्सेस हैं नर्व इम्पल्सेस वो चलती हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरोन है ना, मान लीजिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर से वो कहाँ जाएगी, है ना, सेंसरी न्यूरोन तक जाएगी, फिर सेंसरी न्यूरोन से ब्रेन तक जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी. स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, रेस्पॉन्ड देगा कि आपको ये मसल जो है इफेक्टर ऑर्गन है उसको रेस्पॉन्ड देगा, और वो रेस्पॉन्ड देगा तब क्या होगा, एक्शन होगा, है ना. तो वो जो पूरा होल पाथवे है इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. समझ गए? देखिए अब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं वो बनते कहाँ हैं. रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं इट इज़ फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल दो सम इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन द रीच टू द ब्रेन. ये बनते कहाँ हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये बनते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इनको एंगेज कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन तक भी पहुँचती है. ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. जैसे अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ा था कि जो मोटर न्यूरोन है वो सीधा कन्वे करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड सीधा उसको इमीडिएट रेस्पॉन्ड देता है. ठीक है, तो ये इसमें भी क्या क्या इंक्लूड है वो देखिए. जैसे कि मान लीजिए सेंस ऑर्गन है ना, फिर सेंसरी न्यूरॉन है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है रिफ्लेक्स आर्क में. रिफ्लेक्स आर्क इससे रिलेटेड है रिफ्लेक्स एक्शन से, रिफ्लेक्स एक्शन का ही पाथवे जो है वो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है वही क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है. तो स्पाइनल कॉर्ड आएगा, उसमें मोटर न्यूरॉन भी अपन ने पढ़ा था, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, कन्वे करता है, फिर इफेक्टर जो भी ऑर्गन है जो इफेक्ट हो रहा है, चाहे मसल्स हैं, है ना, कोई भी ऑर्गन है वो, तो इसमें ये सारे इंक्लूड रहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो किस काम आते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है. देखिए तो फर्स्ट है इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में. सबसे पहले दे रखा है सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस है आउटर साइड का, जो भी क्या है सिग्नल, कॉल्ड हॉट जो भी है, तो वो रिसीव कौन करेगा, सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, जैसे स्किन है, स्किन ने क्या किया, रिसीव कोई भी स्टिमुलस. ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क में क्या आया, सेंस ऑर्गन्स आए. ठीक है, देन जस्ट उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन किससे जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट विद द सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कन्वे द स्टिमुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये जो इम्पल्सेस है या स्टिमुलस है उसको रिसीव करके कन्वे करने का काम करते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, कन्वे द स्पाइनल कॉर्ड. आगे बात समझ में, सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस को रिसीव करेंगे. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, कन्वे करेंगे इन्फॉर्मेशन को या स्टिमुलस को, और कहाँ तक ले जाएंगे, टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएंगे. फिर है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड करेगा क्या, करेगा जो भी स्टिमुलस है उनको इंटरप्रिट करेगा, इंटरप्रिट द स्टिमुलस एंड गिव्स द अप्रोप्रिएट कमांड, और उसको अप्रोप्रिएट कमांड देता है कि हाँ ठीक है भाई अब आपको ये करना है. जो मसल्स है ना, या जो इफेक्टर ऑर्गन है उसको कमांड देता है कि विड्रॉन द हैंड और जो भी है वहाँ से उसको एक्शन लेना, तो कमांड द मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जो स्टिमुलस कहाँ से आया है, सेंसरी न्यूरॉन से,
ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से जो भी स्टिमुलस आया है स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है और उसको कमांड देता है कि जो भी है कमांड वो कहाँ तक पहुँचेगा, मोटर न्यूरॉन तक। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो मोटर न्यूरॉन है वो इस कमांड को कन्वे द मोटर कमांड टू द इफेक्टर, जो भी कमांड मिला है उसको मोटर न्यूरॉन कहाँ ले जाएगा, जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक लेकर जाएगा। अब इफेक्टर क्या करते हैं, जो भी है मसल्स मान लीजिए, कोई ऑर्गन मान लीजिए, जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वो एग्जीक्यूट द इफेक्ट बाय द न्यूरो मस्कुलर मूवमेंट। अब जो भी कमांड आया है किसने दिया है, स्पाइनल कॉर्ड ने, लेके कौन आया, कन्वे कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो भी कमांड लाता है वो हो जाता है इफेक्टर तक पहुंच जाता है। इफेक्टर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है उस कमांड को, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है बाय द न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन है वो किससे कनेक्ट है, किसी भी मसल फाइबर से, है ना। तो न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो भी एक्शन लिया जाना है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट, वो कौन करता है, इफेक्टर्स या मसल्स करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो क्या होता है इंक्लूड इसमें कि स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस आया उसको किसने रिसीव करा, रिसेप्टर्स ने, ठीक है, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद उससे क्या कनेक्ट है, सेंसरी न्यूरॉन्स उससे कनेक्ट है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, जो भी क्या है स्टिमुलस है जो भी है तो कन्वे कहाँ तक करेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक करेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा भाई जो भी अप्रोप्रिएट कमांड है वो किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कन्वे करेगा उस कमांड को टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर क्या करेगा, न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट से उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कमांड कहाँ से आया है, स्पाइनल कॉर्ड से आया है। आ गई बात समझ में, इतना सही है। रिफ्लेक्स आर्क, तो एनिमल्स डू नॉट हैव रिफ्लेक्स आर्क, एनिमल्स में रिफ्लेक्स आर्क नहीं होते हैं बिकॉज द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि एनिमल्स में जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम या बहुत ही स्लो होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स आर्क उनमें नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो मेन जो छोटा सा इसका पाथवे है वो आप वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले जो भी स्टिमुलस है वो कहाँ जाएगा, स्टिमुलस आएगा रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद रिसेप्टर से क्या जुड़ा हुआ है, सेंस ऑर्गन से क्या जुड़ा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्ट है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उनको जो भी स्टिमुलस है या जो भी क्या है इम्पल्सिस हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, उनको कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मोटर न्यूरॉन को अप्रोप्रिएट कमांड देता है, उस कमांड को मोटर न्यूरॉन लेता है और कन्वे करता है टू द इफेक्टर ऑर्गन, वो पहुंचाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जो भी कमांड मिला है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और वहाँ से उस एक्शन को जो भी है इफेक्टर जो भी है वहाँ से मसल्स जो भी है बाय द न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट वहाँ से उस एक्शन को एग्जीक्यूट करा जाता है बाय द लास्ट जो अपना है वो है कुछ इंपॉर्टेंस है। देखिए रिफ्लेक्स एक्शंस के, पहले भी अपन ने बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या करते हैं, डैमेज से बचाते हैं जो भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उनको आउटर सर्फेस में जो भी डैमेजेस होते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए इसके अलावा इट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म फॉर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस, कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस आता है तो उसके अगेंस्ट वो जल्दी से उसको क्या करते हैं, रेडी, जिससे जो भी डैमेजेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, बहुत ही इमीडिएट रेस्पॉन्स होते हैं, तो हमें उस स्टिमुलस से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। रेड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पास बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं तो सीधा ही स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग जो है ब्रेन की वो थोड़ी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब बहुत सारे उसको एक्शंस करने होते हैं, फंक्शंस करने होते हैं ब्रेन को, इसके लिए उसकी ओवरलोडिंग को क्या करने का, प्रिवेंट करने के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसी की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो किसी ऑर्गेनिज्म में वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम, जिसमें अपन पढ़ेंगे CNS, PNS,
ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास ऑल द बेस्ट.